उत्तर प्रदेश को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से अब जल्द निजात मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि अब पराली से सीएनजी का उत्पादन होगा, जिससे आय के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही शुद्ध जैविक खाद यानी ग्रीन एनर्जी का भी उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जैव ऊर्जा प्रोत्साहित करने के लिए जैव ऊर्जा नीति 2022 को जारी किया था, जिसके बाद कई बड़े निवेशकों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, जो अब धरातल पर उतरने जा रही है। आपको यह भी बता दें कि जो प्लांट शुरू होने को तैयार है, उनमें बुलंदशहर का बुलंद बायोगैस भी है। बुलंद बायोगैस ने प्रदेश सरकार के साथ 18.75 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया था, जिसकी लागत बढ़कर 21 करोड़ हो गई है। यह प्लांट दिसंबर में अपना उत्पादन शुरू कर देगा। इस प्लांट से प्रतिदिन कई टन सीएनजी का उत्पादन होगा, वहीं 80 से 100 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे बड़ी मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन भी किया जाएगा। वहीं लिक्विड जैविक खाद 3 साल तक किसानों को मुफ्त दी जाएगी। इन किसानों को डीएम या सीडीओ चिन्हित करेंगे। इससे उन किसानों को फायदा होगा जो फर्टिलाइजर डीएपी और यूरिया खरीदने में सक्षम नहीं है। योगी सरकार इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के काम में जुट चुकी है।